चेड़ी तुसे थल्ले क्यों लेटे हो? आज ते मेरी टर्न है, तुसे आ जाओ उत्ते बैठते सोचो। ओहो मैं भूल गया सी, कोई ना तू सो जाओ उत्ते। तुसे निक्की नू लेके परेशान हो? दरअसल जेरी मैं थोनू कुछ दसना सी, कुछ कहना चाहनी हूं मैं। दस? दरअसल जेडी मैं भी किसी गल नू लेके परेशान चल रही हूं। की होया जेडी? मैनू लगता है ना कि मिंटी ते हरजीत दे विच कुछ चल रहा है। की हरजीत ते मिंटी दा चक्कर? तैनू किवें पता लग्या? यार मैनू तो भरोसा ही नहीं हो रहा। मैनू सच दसा तो मैनू मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, पर मैनू एदा फील हो रहा है कि उन्हां दोनों के दरमियान कुछ तो चल रहा है। नाले प्लीज मैं बस थोड़े आगे जिक्र किया है, तुसी प्लीज किसी होर नूं ना दस दिओ। बस मैनू आ दस कि तैनू फील किदा होया, क्या तैनू किसी ने दसिया? नहीं नहीं मैनू किसी ने दसिया नहीं। दरअसल होया कि सी कि मैं ना दो बार कुछ वेख लिया। पहली बार तो मैं कम कर दिया, मैं मिंटी नाल गल कर दिया, उन्हें पूछ दिया, फिर थोनू दस दिया। नहीं सीरत उन्हें तो रहन दे, तेनू भलेखा भी तो हो सकता है ना। तू एक काम कर, थोड़े दिन ना पहले दोनों वेख, जे तेनू कन्फर्म होंदा ना ते फिर मिंटी नाल गल कर। हाँ जी तुसी सही कह रहे हो। वैसे मैनू लगता नहीं कि आ गल सच होनी है, क्योंकि मिंटी नू मैं चंगी तरह जान लिया। हरजीत ओदी चॉइस नहीं हो सकता। क्यों? हरजीत क्यों नहीं हो सकता? ओ मैं थोनू बाद च दसांगी, पर फिलहाल तो मैं बस आई कह सकती हाँ कि हरजीत नू कदी भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाऊंगी। चल सो जाओ। ऐ केड़ा नवा ड्रामा शुरू हो गया यार? ऐ हरजीत नू तो मैं कबूतर समझा सी, आ तो बहुत वड्डा सियाणा कहाँ बन रहा है। एक पासे मेरी भैन निक्की नू फसा रहे, ते दूजे पासे मिंटी नू फसा रहे। ऐ तो बहुत वधिया न्यूज सुनाई है सीरत। तू जे निक्की नू हरजीत दा असली चेहरा विखा दिता जाए तो निक्की ने तो मूंह ही भन देना, तो अपनी लाइफ तो बाहर सुट देना उन्हें। यानी पूरे हिसाब किताब नाल ना निक्की दे कान च इस बरसाती कां की सच्चाई दस देनी चाहिए। बस हूँ खुश है? हाँ आई एम सो हैप्पी। तू मेरी चीक्स नहीं वेख रहा, ब्लश कर रही ने। निक्की इदा मजाक ना करया कर, तेनू पता था है ये सब मेनू पसंद नहीं। मैं जानती हूँ मिस्टर एंग्री मैन, पर तुसी भी मेरे वाल थोड़ा ध्यान दिया करो ना। ते नाले मैं थानू इस तरह इसलिए बुलाया क्योंकि डॉक्टर ने मेनू रेस्ट करन नहीं कहा सी, पर मेरा दिल तो रेस्टलेस होया पिया, तो फिर मैं की कर दी। ते जे तुसी गुस्सा होना ना तो इस कंबख्त दिल ते होवो, मेरे ते ना होवो। जिदा दी तू है उदा दा ही तेरा दिल। अच्छा कहो जी है मेरा दिल? एकदम जिद्दी ते अड़ियल। कुछ भी है पर मेरे दिल ते ना लखां गीत लिखे जा चुके ने। बहुत बोल दी है तू यार, तेनू ना मेनू इदा कमरे च बुलाना नहीं चाहिदा सी। जे किसी ने वेख लिया तो फिर अगे उस दिन मिंटी दी हरकत ने मेनू पूरी तरह हिला दिता है। की मिंटी ने हुण की कीता? छड छड फिर कदे गल करांगे। नहीं हरजीत तेनू मेरी कसम लगे, तू मेनू आ दस्स की मिंटी ने कीता की है।
कुछ नहीं निकी उधर ना छन्नो आंटी ने मैनू उहदे कमरे च उहनू बुलाउण लई भेजिया ते उहने अपने कमरे नू लॉक कर लिया। की मिंटी ने तैनू कमरे च लॉक कर लिया? हाँ यार, उस तो बाद उहने मेरे नजदीक आके मेरे नाल फ्लर्ट करन दी कोशिश कीती। मैं उस दिन उहनू कुछ नहीं किया, मैं कहा चल छड्ड, जे चिक्कड़ चिट्टे सिट्टांगे तां छिट्टे तां अपने उत्ते ही पैणगे, इस करके मैं उत्थों चुप करके निकल आया। नहीं हरजीत, पागलां दी जगह ना होस्पिटल च हुंदी है ते उहनू मैं मेंटल होस्पिटल छड्ड के रहूंगी। मैं क्या आना निक्की, लीव इट, मैं तां ही तैनू कुछ दसना नहीं चाहुंदा सी, मैनू पता सी तू एदी बिहेव करेंगी। हरजीत, तू उहनां नू जानदा नहीं आ, उह बहुत चलाक कुड़ी है, उह तैनू प्यार नहीं करदी, तैनू नीचा दिखाउणा चाहुंदी है, ते उहनू आ पता है कि मैं तैनू बहुत प्यार करदी हाँ, तां ही उह कुछ ना कुछ करदी है कि साडे विच कोई दीवार खड़ी हो जाए। निक्की, किसे च इन्नी भी हिम्मत नहीं है कि अपने विचकार बाल जिनी कंध भी खड़ी कर सके। मैं सिर्फ ये जानदा कि तेरे हरजीत दा दिल जिन्नी वार भी धड़कूगा उस विच तेरा नाम ही आऊगा। सॉरी सॉरी, चल मैं चलदा, कोई आजूगा तो देख लूगा, अपना ख्याल रखी। ये चिपली मेरे हरजीत नू मेरे तो खोना चाहती है, पर ना मुमकिन है मिंटी, तू ना जिन्हें मर्जी पैंतरे अजमा ला, पर मैं इक्को झटके च सारे फेल कर देने हैं, बाकी सीरत भाभी ने ना तेनू साढ़े घर च रख के ना चंगा नहीं किया। तू कुछ पूछा या नहीं? जेड़ी फिलहाल तू एदे नाल ना इधर उधर की गल कर, उस तो बाद असली गल करांगे। मिंटी, ओ जेड़ी प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्टां दित्तियां सीगियां तेरे कोल ही है ना? हाँ जी सर, वो ना मेरे को ही हैगियां ने, मैं ना अलमारी च सांभ के रखतियां सी। ओके, ते गिरधारी ब्रदर्स वाले बिल वो भी तेरे कोल ने? वो भी मेरे को ही हैगे है सर, जे कहो तो मैं ले आवां। नहीं नहीं, हुणे रहन दे, मैं फाइल देखदा। जड़ा सिगा थैंक यू। वाह, अज तो मेरी टेस्ट की कॉफी बनाई है ऑफिस, मजा ही आ गया। कौन है जिन? Who are you? Hi, I'm Diksha. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਫਿਸ? ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਰਕ ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ। ਓ I hope you like me. मेरा कहने का मतलब है कि तुहानू मेरा काम पसंद आएगा, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है। वैसे मैंने तुहाडा स्टाइल चंगा लग गया। वैसे सर, हले तो मैं अपना काम करना स्टार्ट ही नहीं किया। मेरा मतलब कॉफी, कॉफी देने का स्टाइल। I'm sorry. आ जाओ, मैं थोनू अपना काम एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर। हम जेडी जीजू तो गए काम तो। बीजी, मैं तो तुहाडे कोल ही आ रही सी। आ देखो, तुहाडी धी ने अपनी धी निक्की लई पंजीरी बनाई है। शनो, तेनू पंजीरी बनानी आती है? ले दस बीजी, तुसी भुल गए, तुसी किन्ने साल पहले मैनू पंजीरी बनानी सिखाई सी, बस अज ओदा ही बनाई है। मैं चक के ता वेखो किवें बनी है। खुशबू तो ता वधिया।
शनो बनी तो चंगी है पर जे तू इन मठी अग ते होर थोड़ी देर भुनिया हों ना फिर बहुत ही वधिया बननी सी। हाँ जी बीजी बस वाहिगुरु करे कि निक्की खा लवे उहदे मूड दा तो तुहानू पता है भावे मूंह ही ना लगावे। तुसी वेख्या ना बीजी जदों दी उहदे 6 वजी है किन्नी कमजोर जी हो गई है। हाँ शनो मेरा भी ध्यान उहदे च ही रहिंदा है बहुत ही अजीब जी हो गई है वेख्या सी तू किवें सिरर नूं टुट के पै गई सी मैनूं तां उहदे ते बहुत गुस्सा आया सी फिर मैं कहा चल छड़ जवान जहान ती है की कहना नहीं तो मैं तो दो धर देनिया सी उहदे ओ नहीं भी जी चलो छड़ो रात गई बात गई बच्ची है। नहीं शनो मैं कुछ चिरां चो उहदे रंग ढंग देख रही हाँ ਉਹ ਸੀਰਤ ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਚਿੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਿੰਮੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੀਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਿੰਟੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਸੀਰਤ ਆਪਣੀ ਸੱਗੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਰਤ ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਬੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਨਾਣ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੀਜੀ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖੋਲਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਆ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ ਮਿਸਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਫਲਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਕਿਓ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਗਰੀਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹਾਂ ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਬਣਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਵਾਂ ਲਵਰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਐਰੋਗੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਨਾ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੀਏ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧੀਏ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ
पैसों का प्रबंध नहीं होया ना इसलिए तो तेरे पापा जी कहते ने जो तो पैसों का प्रबंध हो जाएगा ना फिर करवा लेंगे काम। मम्मी मैं बहुत बुरा लग रहा है मैं चाह के भी थोड़ी हेल्प नहीं कर पा रही। ऐसे रोन की कौन सी गल है तू बस अपने परिवार से खुश रह सानू होर की चाहिए नाले सीरत तेनू अपने पापा का पता ही है वह टिक्के तो बैठने वाले है नहीं कितना कितने पैसों का प्रबंध कर ही लैणगे ना। हाँ जी इन्ना का तो मैं पता ही है। याद है मम्मी जो मेरे कॉलेज की फीस भरनी होंगी सी तो साढ़े को पैसे नहीं होंगे सी उदो भी ना पापा लास्ट डेट में कितों ना कितों पैसे ले ही आते। हाँ धीए मैं सब याद है ये गल कोई भुलन वाली थोड़ी ने। चल छड़ तू मैनू एक गल दस मिंटी का की हाल है हुण ते नहीं लड़दी ना निक्की नालो। मम्मी नू मिंटी दे भाई नवे पंगे बारे दसा नहीं नहीं हले नहीं जेडी कहंदे ने जदों तक शोर ना हो जाए किसे नाल भी जिक्र नहीं करना। की होया सीरत केड़ी सोचा च पै गई होई है? अब कुछ नहीं मम्मी तुसी मिंटी बारे पूछ रहे सी ना। हाँ ओ ठीक है वधिया है। मैं पूछ रही हाँ कि निक्की नाल ते नहीं लड़दी ना हुण? नहीं हुण ते उन्हां दोनों विच इदां दी कोई गल ही नहीं। सीरत अब मिंटी दी लगाम ना थोड़ी खिंच के रखी जे ढील दे दित्ती ना पता नहीं इन्हें की कुछ कर जाना। हाँ जी मम्मी मैं ध्यान रखांगी तुसी टेंशन ना लो। अच्छा हुण मैं फोन रख दी हाँ मैं किचन च वेख के आंदी हाँ कोई खाने दा की इंतजाम होया। ठीक है तीए अपना ख्याल रखी। अच्छा हाँ जी मम्मी जी चंगा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। गल तो मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे ने मिंटी दी थोड़ी लगाम खिंचनी पैनी है जो कल नूं कोई उच्च नीवी गल होगी तो घरदियां नूं जवाब तो मैं ही देना है ना। चलना की पे मिंटी हरजीत दे पिछे ते हरजीत निक्की दे दिमाग खराब हो गया सारे दा। नहीं मिंटी हरजीत दे पिछे नहीं पै सकती क्योंकि हरजीत गरीब है। ते जे मिंटी नू पता लग गया कि हरजीत अमीर है ते मिंटी हरजीत दे पिछे पै ही जाएगी। करेक्ट जेडी तू बिल्कुल सही सोचता पे है जे आ कम हो गया ना ते मेरा ता कम हो जाएगा ते निक्की दा पिछा इस हरजीत तो छुट जाएगा ते मेरा कम बन जाएगा ते निक्की नू शक भी नहीं होएगा कि मैं सारा कुछ किता यानी कि एक गोली नाल दो शिकार हो जाएंगे। चल जेडी हो जा स्टार्ट लाइट कैमरा ते एक्शन। सीरत तू इत्थे की कर रही है कुछ चाहिए सी तैनू? नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्यों एवं क्यों कह रही है मैं तेरे को आ नहीं सकती? मैं केड़ा नान के गई हुई सी जोड़ा तू मैनू मिला नहीं है। मेरा मतलब अपन सवेर का मिलता लिया कि नहीं बरी। अच्छा मिंटी आप हरजीत की होली पिक्स ने ना? हाँ मैं वेली बैठी हुई सी ते मैं सोचा पिक्स वेख लैनी हूँ होली दियाँ। अच्छा अच्छा वह अब तेरी काफ़ी दोस्ती हो गई ना हरजीत नाल? मैं तो इन्ना ध्यान ही नहीं दिता। बार भी मिलते हो तुसी?
वेख मिंटी मेरी गल्लां दा ना पुट्ठा मतलब ना काट ली, मैं तो जनरली पूछ रही सी। हुण मम्मी पापा ने तैनू इधर मेरी जिम्मेदारी ते छड्या होया है, ते तू मेरी छोटी भैन है, तो मैनू बस पता होना चाहिए ना कि मेरी भैन की लाइफ च की चल रहा है की नहीं। तेरी प्रॉब्लम की है सीरे? आ तू की थानेदारी करी जा रही है मेरे नाल? नहीं हुण तू आ पूछेंगी कि चल मिंटी दस अज तू सवेर दे किन्ने साल लिते ने, नहीं हुण मैं तैनू आ दसा। सीरत मैं ना न्याणी नहीं हाँ जो तैनू हर एक गल दसा कि अज मैं कित्थे गई, अज मैं की खाता, अज मैं की पीता। मिंटी इदा की कोई गल नहीं है, तू मेरी गल का गलत मतलब। बस यार सीरत रहन दे, तू तू ना पिंड वाले घर च भी ना आही हरकत करती होंगी सी, ते हुण तू इत्थे आके भी ना आही काम शुरू करता है। हर थान ते ना चौधरानी नहीं बनीता हुंदा, दूजे नूं ना उहदी लाइफ जीन दे दी हुंदी है। बहुता शौक है ना तैनू जानकारी लैन का, ते सीरत तू ना एक काम कर, अपने ना घर वाले की जानकारी लै, जिहड़ा अजकल ना ऑफिस दे विच नवे फुल खिला रहे।